गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। वी हैव टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा ये था कि कैसे हम लोग अल्फा बीटा पॉलीनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स था, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स था, उसका रूट निकालने सीखे थे बाय अलजेब्रिक मेथड सीखे थे। ठीक है, अभी जो है हम लोगों को पॉलीनोमियल्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या कैसे होता है इसको देखना है। पॉलीनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ में वो कैसा दिखता है, ठीक है, और उसका रूट कैसे निकालते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलीनोमियल्स का, तो पॉलीनोमियल्स में सबसे पहले जो आता है वो लीनियर पॉलीनोमियल्स आता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल, तो लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब जो है आपको क्या पता लगा कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री वन। लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब क्या हुआ, डिग्री इसका कितना होना चाहिए, तो डिग्री इक्वल टू में वन होगा, यानी हाईएस्ट पावर लीनियर पॉलीनोमियल का कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा वन होगा। ठीक है, और इसका अगर रूट निकल के आएगा, नंबर ऑफ रूट, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रूट अगर देखे लीनियर पॉलीनोमियल का, नंबर ऑफ रूट, तो लीनियर पॉलीनोमियल का नंबर ऑफ रूट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल का नंबर ऑफ रूट अगर पूछे तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रूट अगर देखें तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट, अनंत उसका जो है रूट निकल के आएगा। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें आपको लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लीनियर पॉलीनोमियल का दो फॉर्म मिलेगा जी। ठीक है, एक लीनियर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, एक मिलेगा लीनियर पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर हम बोले स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला बोले आपको कि लीनियर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, अगर बोले सिर्फ वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल में आपको एक मिलेगा, डेट इज एक्स प्लस में बी इक्वल टू जीरो, ये रहा लीनियर पॉलीनोमियल्स, और इसका लीनियर पॉलीनोमियल का ये इक्वेशन हो गया एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। उसी तरह अगर हम बोले आपसे कि इन टू वेरिएबल, ठीक है, अगर टू वेरिएबल में अगर हम बात करें लीनियर पॉलीनोमियल का, तो टू वेरिएबल में आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आएगा वो क्या होगा जी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल एक्स, ठीक है, तो इसमें और इन इसमें दोनों में आपको डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो है आपको एक्स सिर्फ एक वेरिएबल है और इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है जी, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए और बी, जहां पर वेयर में अगर हम आपसे बात करें ए बी एंड सी, ये कोई भी आपको रियल नंबर में से ही होना चाहिए। ठीक है, और ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है इसमें, इस कंडीशन में, सिर्फ हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है और बी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें के लिए सी जीरो के बराबर हो सकता है, तो ये सारा चीज है। अब कहने का मतलब ये है कि हमको लीनियर पॉलीनोमियल्स का ग्राफ के बारे में देखना है, तो ग्राफ जैसे की बात है कि अगर हम कहें आपसे ग्राफ के बारे में, तो लीनियर पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है जी। ठीक है, हमेशा ही क्या होता है जी, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये रहा अगर हम बोले कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ है, और इसका जो है आपको जैसे कि बताया रूट जो होता है इसका एक्स और वाई की वैल्यू इन्फाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो अगर दो, अगर एक जो है वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है जब एक वेरिएबल है और तो आपको एक्स का वैल्यू निकल के सामने आएगा, और जब इसमें दो वेरिएबल है तो एक्स का भी निकल के आएगा और वाई का भी निकल के आएगा। तो ये रहा लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत तरह से हो सकता है। अगर सिर्फ एक्स का वैल्यू दे दे, ये तो रहा कि देखा जाए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट करेगा, जहां पर कट करेगा वो एक्स का वैल्यू है। ठीक है, और जहां पर ये वाई को कट करेगा वो वाई का वैल्यू है, ये बात है, इधर एक्स है इधर वाई है। लेकिन अगर सिर्फ एक्स का वैल्यू दे दे, सिर्फ आपके पास एक्स का वैल्यू दे दे, बोले कि एक्स इक्वल टू में, बोले एक्स इक्वल टू में टू, और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो एक्स इक्वल टू में टू का ग्राफ क्या होगा जी, तो देखिए अगर ये एक्स है और इधर की तरफ वाई है, ठीक है, इधर की तरफ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू ये वन है ये टू है, तो ये बोले वन और टू, टू यहां पर है, एक्स इक्वल सिर्फ टू, जहां पर एक्स का वैल्यू टू है सिर्फ इतना ही बोल के छोड़ दिया, तो वाई का समथिंग वैल्यू दैट इज जीरो मानेंगे। ठीक है, वाई का जीरो होगा, तो इसका ग्राफ अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये x इक्वल टू टू का ग्राफ है, किसका ग्राफ है जी, x इक्वल टू टू ग्राफ है, y एक्सिस के पैरेलल होगा। वहीं पर अगर बोले कि y इक्वल टू टू, ठीक है,
ये पहला नंबर अगर बोले और ये दूसरा नंबर यहां पर जगह नहीं है तो यहां हम कर रहे हैं, और बोले कि आप y इक्वल टू टू अगर आप ड्रो कीजिए तो यहां पर मानेंगे कि x इक्वल टू में जीरो है, ठीक है। यहां पर सिर्फ x वैल्यू दिया था, y जीरो मान लेते, ठीक है। यहां पर x y दिया है तो x को जीरो मान लेंगे। तो अगर बोले इधर की तरफ x है और इधर की तरफ y है आपको, तो हमको 1 इधर मिला और 2 यहां मिला, तो 2 जो होगा, ये 2 का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये किसका ग्राफ है जी? y इक्वल टू 2 का ग्राफ है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हमने बताने की कोशिश किया। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन आरएस अग्रवाल में इसका कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स जो है ये लीनियर का ग्राफ है, लीनियर का ग्राफ है। अब इसमें क्या है कि एक्स का भी वैल्यू मिल रहा है, वाई का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है क्या? इसमें एक्स का यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, है ना? अगर बोलेंगे 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर अगर हम बोले इस तरह से ये 1 है, 2, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर इस पॉइंट की तरफ हम बात करें और इस पॉइंट की तरफ ये कहाँ पर कट कर रहा है, तो कहिएगा कि यहाँ पर जो x का वैल्यू 5 है यानी y 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और y 0 है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 0 है और y का 4 है, ठीक है। तभी तो इसको मिलाए हैं, तो हमको लीनियर ग्राफ मिला है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल में है और ये 2 वेरिएबल में, इतना ही फर्क है। ये किसका ग्राफ है जी? 1-2 वेरिएबल वाला ग्राफ है और ये 1 वेरिएबल ग्राफ, सिर्फ इसमें x का वैल्यू का पुट कर रहा है, इसमें x और y दोनों आ रहा है, ठीक है। इसमें x, इसमें y आ रहा है। तो ये अगर इसके बारे में बात करें तो ये किसका ग्राफ है जी? तो बोले कि ए वाई प्लस में बी इक्वल टू में जीरो ग्राफ, इसमें y का वैल्यू नजर आ रहा है तो y निकल के आएगा, और ये किसका है तो इसमें x का वैल्यू निकल के आ रहा है, तो ये ax प्लस में b का ग्राफ, ठीक है। जब x के फॉर्म में होगा तो x के वाला मिलेगा, y के फॉर्म में होगा तो y वाला मिलेगा। और ये किसका ग्राफ है? तो बोलिएगा किसका? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू जीरो, ये इसका ग्राफ है। इसमें x भी मिलेगा, y भी मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये भी दोनों लीनियर, जो x फॉर्म में है ये y के फॉर्म में, तो ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया। लीनियर इक्वेशन का पहचान यही कि डिग्री 1, ठीक है। हमको रूट जो है निकल के आएगा इनफाइनाइट, लेकिन डिग्री कितना हो गई? 1 होगा, ठीक है। चलिए, ये खत्म हो गया लीनियर इक्वेशन। आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा टॉपिक है, इसको बताना बहुत जरूरी, हम समझते हैं इसलिए इसको डिस्कस कर। आगे आप हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। देखिए जी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स जाहिर सी बात है एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वाई के फॉर्म में हो सकता है। 1 वेरिएबल में हम बात करेंगे, 2 वेरिएबल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में, तो हम अगर कहें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा जी? तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। जहां पर डिग्री हमको नजर आ रहा है कि डिग्री कितना है इसका, इसका डिग्री हमको नजर आ रहा है कितना है? डिग्री 2 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। और इसमें x और x जो वेरिएबल में, सिर्फ x वेरिएबल में, जहां पर a का वैल्यू वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, a का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो लीनियर पर पहुंच जाएगा, x a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। और a b एंड c ये कहां से होना चाहिए? तो रियल नंबर में से होना चाहिए, ठीक है। ये रियल नंबर में से, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रियल नंबर में से होना चाहिए, ये बात समझ में आया। अब इसका ग्राफ के बारे में चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका डिग्री 2 मिलेगा, 2 वैल्यू निकल के आएगा एक्स का, तो इसे ग्राफ के बारे में चेक करते हैं। देखिए जी, इसको समझने की जरूरत यह है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, वो ग्राफ हमेशा पाराबोला मिलता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, हमेशा क्या मिलेगा? पाराबोला मिलेगा। पाराबोला बोले तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, या इस तरह ग्राफ मिलेगा, या इस तरह से ग्राफ मिलेगा, या इस तरह ग्राफ मिलेगा, ठीक है। पैराबोला इसी को बोलते हैं। तो देखा जाए, अगर हम बोले आपसे कि अगर हम इसका पहला केस हम बोले, केस 1, ठीक है, केस 1 में अगर बोले कि ये ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका 2 डिग्री है तो 2 रूट निकल के आएगा। इसका रूट कितना निकल गया? अल्फा और बीटा, 2 रूट निकल के आएगा, मैक्सिमम 2 रूट निकल गया, मिनिमम बहुत सारा रूट निकल सकता है। मिनिमम बोले तो 0 भी रूट हो सकता है, 1 भी रूट हो सकता है, मैक्सिमम 2 ही रूट निकल गया, 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी एक भी रूट नहीं निकल, तो हो सकता है कि एक भी रूट ना निकले। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है जिसका एक भी रूट नहीं होता है, ठीक है, इसको हम बताएंगे आगे। और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है जिसका एक ही रूट होता है, और ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है जिसका 2 रूट होता है, मैक्सिमम 2 ही रूट निकल देता है, जितना डिग्री उतना ही रूट निकल के आता है मैक्सिमम। तो अगर हम बोले डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट अगर पूछे तो हमको, अगर हम बोले कि मैक्सिमम रूट कितना होगा तो आप बोलिएगा 2 होगा, ठीक है, 1 भी हो सकता है और कुछ भी रूट नहीं हो सकता है। देखिए जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स
एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, समझिएगा। तो ये एक्स के फॉर्म में है तो जो वैल्यू निकल के आएगा किसका निकल के गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, अल्फा मिलेगा और बीटा मिलेगा, ठीक है। अगर हम वाई के फॉर्म में लेते तो वाई का वैल्यू निकल गया था, यहाँ एक्स का फॉर्म लेते एक्स का वैल्यू निकल गया, तो अल्फा बीटा जहां पर एक्स को वो कट कर रहा है वो पॉइंट अल्फा है और वही बीटा है, तो यहाँ पर दो रूट निकल गया, ठीक है, कंडीशन ये समझ में आया। उसी तरह अगर हम बोले आपसे केस टू में, अगर केस टू देखें आपको, केस टू देखें तो केस टू में क्या होगा कि ये जो है यू शेप्ड है, यू शेप्ड पॉलीनोमियल से, तो ये किसका ग्राफ है इसको समझना है। यहां पर ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर ए का जो वैल्यू है ना, ए डेट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है, यही इसका ट्रिक है। ए ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ये ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। और केस टू में आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिए केस टू में क्या होगा ना कि अगर हम ग्राफ बनाए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये भी पैराबोलिक है ना, ये इधर की तरफ x है, इधर की तरफ y है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो यहां भी वो दो पॉइंट पे कट किया x एक्सिस को, तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c इक्वल टू जीरो का है, तो इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है का मतलब क्या हुआ कि a जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, a हमेशा यहां पॉजिटिव होगा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, a का वैल्यू क्या होगा जी, a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, और लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू हमेशा क्या होगा जी, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर a का वैल्यू नेगेटिव आपको मिलेगा, तो अगर यहां माइनस लगा दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो ये किसका ग्राफ है। अब माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां पर दिखाना होगा कि a हमेशा जीरो के नीचे है यानी कम है तो नेगेटिव है, तो यहां पर जो है दो पॉइंट पर कट किया है, इसलिए ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है, यानी कि यहां पर भी आपको दो रूट निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पर ये नीचे की तरफ मुंह क्यों खुला हुआ है, क्योंकि a नेगेटिव है, क्लियर। आगे चलते हैं हम केस थर्ड में, ये सारा चीज पैराबोलिक का ही है, ये सारा चीज किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का ही ग्राफ बन रहा है, ठीक है। केस वन, केस टू, केस थर्ड, केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में क्या होगा दोस्त कि ये जो ग्राफ है बिना टच करे निकल जाएगा, समझिएगा, बिना टच किए, एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं किया है, और ये ग्राफ किसका है, तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का ग्राफ है, ठीक है, जहां पर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी ए जो है क्या है जी, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा और बिना टच किए गुजरा है, इसका मतलब क्या हुआ, बिना टच के गुजरा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी रूट नहीं निकल के आएगा, बोलेंगे देर इज नो रूट, क्या बोलेंगे, देर इज नो रूट, कोई रूट नहीं होने वाला, देर इज नो एनी रूट, क्या बोलेंगे, देर इज नो एनी रूट, देर इज नो एनी रूट, ठीक है, कोई रूट नहीं निकलने वाला है। उसी तरह अगर हम बिना टच के नीचे की तरफ से कट चले जाएगा तो भी रूट नहीं निकलेगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आपको जगह नहीं इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगर हम बोले आपसे कि अगर दूसरा ये केस थर्ड था, अगर हम केस फोर्थ के बारे में बात करें, केस फोर्थ के बारे में, तो केस फोर्थ के बारे में हम बोलेंगे कि ऐसा भी पॉलीनोमियल मौजूद है जिसका कोई रूट नहीं निकलेगा, ये एक्स है, इधर की तरफ वाई है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये किसका होगा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो है, जहां ए का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, वहां पर एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो तो ऊपर की तरफ ही है, लेस देन नीचे की तरफ, जहां पर ए को हम बोल रहे हैं क्या चीज, नेगेटिव, क्या बोला जी, नेगेटिव बोल, तो पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर, नेगेटिव तो नीचे, और इसमें भी देर इज नो रूट, कहीं पर कट नहीं गया इसके वैल्यू, जब कट ही नहीं गए तो नो रूट कहेंगे, देर इज नो एनी रूट, कोई रूट नहीं होने वाला है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर हम पांचवा केस की तरफ चलते हैं, पांचवा केस में क्या है कि पांचवा केस में ऐसा है कि वो एक्स इधर है और वाई इधर है, पैराबोलिक ही तो मिलेगा, ठीक है, आपको पांचवा केस में क्या मिलेगा, पैराबोलिक ही मिलेगा, लेकिन क्या है ना कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाएगा, समझ रहे हैं आप ना, टच करके निकलना, टच करके निकलने का मतलब क्या हो जाए, टेंजेंट, टच करने के बाद से ऐसे निकला मतलब क्या हुआ, ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है, इसको ध्यान रखेंगे, टेंजेंट क्या होता है जी, सिर्फ एक ही पॉइंट को होकर गुजरता है, अगर सर्किल है, सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट को ऊपर कट कर निकलेगा, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे क्लास 9 वगैरह में, है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकलता है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ये सारा चीज देखे हैं, तो टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकलता है, इसलिए यहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। इसका इक्वेशन अगर आपको देखना है, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में वन,
ठीक है, इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो एक्स के स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में वन, ठीक है, ऐसे कीजिएगा कीजिएगा ना, तो एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस में वन और फिर एक्स प्लस में वन हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस वन है। तो अगर हम कहें कि एक्स प्लस में वन इंटू में एक्स प्लस में वन इक्वल टू में जीरो, तो यहां से आप जो वेरिएबल जो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस वन निकलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, दोनों के दोनों बराबर बराबर, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू में माइनस वन एंड बीटा ऑल्सो इक्वल टू माइनस वन, तो अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गया। ये इसी ग्राफ है, देखिए क्या देखिए नजर आ रहा है क्या, ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इसी ग्राफ है। तो कहेंगे ये किसका ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का ग्राफ है, जहां पर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, डेट इज ए जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकल गया जहां पर अल्फा बीटा बराबर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, इसको आप लिख लीजिए कहीं लिखना होगा, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। चलिए तो ये केस हो गया केस नंबर फाइव। केस नंबर सिक्स को देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। केस नंबर सिक्स को देखिए आप, केस नंबर सिक्स में क्या होगा, ये भी पैराबोला ही निकलेगा, ठीक है। तो केस नंबर सिक्स में आप देखिए, केस सिक्स इसमें क्या होगा कि ये जो आपको टच करते निकला है एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ से, अब वो नीचे की तरफ से निकलेगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। देखिए एक्स वाई, हो सकता है कि ये ऐसे निकले टच करते हुए, ठीक है। जब ऐसे टच करते हुए निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसे टच करके निकलेगा इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके निकला है, इसलिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू में बीटा हो गया, जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का दो वैल्यू निकल गया अल्फा बीटा, ठीक है। तो जो अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, और ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का ग्राफ है, लेकिन ए लेस देन जीरो हुआ, ठीक है, ए लेस देन जीरो हुआ तभी तो नीचे से गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, जिसको हम बोल रहे हैं कि ए जो है वो नेगेटिव है, यही ना बोल रहे हैं ए नेगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। और भी पैराबोला में केस है, ये तो ये वाला है, ये वाला ऐसे ऐसे भी है, ठीक है। तो हम एक ठो बता दे रहे उसमें का, आप बाकी का समझ जाइएगा। चलिए हम थोड़ा आपसे बात अगर करते हैं, इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर हम आपसे बात करते हैं कि ऐसे ग्राफ के बारे में, ठीक है, ये किसका ग्राफ है ध्यान में रखिएगा, ये ए एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स के फॉर्म में है, अगर हम बोले ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये वाई के फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है, ये एक्स के फॉर्म में था तो एक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ये वाई के फॉर्म में है तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा जी, वाई के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये वाई है तो कुछ इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, यही ना हो सकता है, दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता था तो ऊपर से खुलता था, जब वाई ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कुछ इस तरह से खुलेगा क्या, ऐसे खुलेगा ना जी, ऐसे खुलेगा, जब y ग्रेटर देन जीरो हो गया, जब a ग्रेटर देन जीरो हो गया, a ग्रेटर देन जीरो हो गया और y के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे खुलेगा, ये y है ये x है, ठीक है। तो यहां भी हमको दो वैल्यू निकल कर आएगा, एक अल्फा मिलेगा एक बीटा मिलेगा, उम्मीद है समझ में आता होगा आपको, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव होने की वजह से ऐसे खुल गया, और वही नेगेटिव होगा तो क्या ऐसे खुलेगा, समझ में आता रहा ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक उसका भी ग्राफ बना दिया जाए, यही पर बोला है, ठीक है। तो अगर हम बोले ये केस कितना था, ये केस सेवन था, केस सेवन, उसी तरह अगर हम बोले आपसे केस एट की तरफ, ठीक है, केस एट में आपसे बोले, और यहां भी जो है जब टेंजेंट से होते हुए जाएगा, जब छू के गुजरेगा, सिर्फ टच करके गुजरेगा, तो एक रूट निकल के आएगा, दोनों बराबर होगा अल्फा बीटा, अगर रूट टच ही नहीं करेगा तो कोई रूट नहीं निकल गया, तो उसके लिए अलग अलग केस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सोलह समझ में आएगा तो वही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप ऐसा कर दीजिए, इधर को एक्स है इधर को वाई है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्राफ हो एक्स ए वाई का स्क्वायर, वाई के फॉर्म में हो, ए वाई का स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी, ठीक है, और ए जो है लेस देन जीरो हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, ए क्या हो जी, नेगेटिव होना चाहिए, तो ए नेगेटिव हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये जो गुजरेगा वो कुछ इस तरह से गुजरेगा, नीचे तरफ से जो है उल्टा गुजरेगा, ये ऐसे गुजरता है ऐसे गुजरेगा, और जहां पर कट कर रहा है वही वाई का वैल्यू होगा, जब वाई है इसमें तो वाई कौन कट करेगा, वाई का वैल्यू निकल के आएगा, तो ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, है ना, उसमें भी ऐसे ही है, जब टच के गुजरेगा सिर्फ तो दोनों रूट बराबर होगा, जब टच ही करके नहीं निकलेगा, कोई भी टच नहीं करेगा, यहीं से गुजर जाए कहीं भी टच नहीं करेगा, इसका मतलब कोई रूट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स लीनियर पॉलीनोमियल्स, यही इसमें कुछ है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब ये बात ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का ग्राफ कैसे बनता है और लीनियर पॉलीनोमियल्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। चलिए
जहां पर कट करेगा वो तो वही उसका रूट है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है ये। अगला देखते हैं थोड़ा, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स किसको बोलते हैं जी, जिसका डिग्री 3 होता है, ठीक है। डिग्री कितना हो जाती है, 3 होना चाहिए, यानी कि उसका हाईएस्ट पावर उस पॉलीनोमियल्स में कितना होना चाहिए जी, 3 होना चाहिए। अगला देखते हैं आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यही ना है, यही है एक्स का क्यूब, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना है जी, 3 है। तो इसका अगर डिग्री आपसे पूछेंगे तो कहिएगा कितना है, डिग्री इक्वल टू में डिग्री इसका 3 है, ठीक है। डिग्री 3 होने की वजह से इसका एक्स का 3 वैल्यू निकल गया, अल्फा बीटा गामा, यानी हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना निकल गया आएगा, मैक्सिमम अगर आपसे पूछे रूट कितना निकल गया आएगा, वो 3 निकल गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट कितना निकल गया आएगा, 3 निकल गया, 2 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, कुछ भी नहीं निकल सकता है, जैसे की बात है जितना डिग्री होता है उतना ज्यादा रूट निकल सकता है, कम नहीं निकलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। चलिए तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट इसका निकल सकता है डिग्री 3 होने की वजह से। अब आगे चलते हैं हम, इसमें आपको कंडीशन लगाया गया है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, अगर 0 के बराबर हो जाती है टर्म 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक में पहुंच जाएगा, हमको क्यूबिक चाहिए। जहां पर ए बी सी एंड डी ये किसमें से होना चाहिए जी, ये रियल नंबर में से होना चाहिए। ये बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, अगर बी 0 हो जाएगा तब भी ये क्यूबिक कहलाएगा, सी 0 हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा तब भी वो क्यूबिक ही कहलाएगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। चलिए तो ये बात हो गया, अब इसके ग्राफ के ऊपर चलते हैं। देखिए जी इसका ग्राफ में भी अगर हम बोलें कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ये पहला केस में आप केस फर्स्ट में, ठीक है केस फर्स्ट, इसमें दो ही केस है, केस फर्स्ट में आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए जहां पर a का वैल्यू को आप ग्रेटर देन 0 रखना है, ठीक है, यानी पॉजिटिव रखना है, क्या जी a का वैल्यू कहां रखना है जी, पॉजिटिव रखना है, और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको देखिए, ठीक है देखिए इसका ये ग्राफ है, इसमें क्या है ना कि हमको चारों क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस वाई है, ठीक है। देखिए जी क्योंकि इसमें x का वैल्यू क्या है जी, ये a का वैल्यू क्या है जी, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने की वजह से देखिए x पॉजिटिव से लेकर चल रहे हैं, और पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, x को पॉजिटिव बनाएगा, x के क्यूब को पॉजिटिव बनाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, नजर आ रहा है क्या, ये पॉजिटिव x से शुरू हुआ है नेगेटिव तक गया है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अगर हम आपसे पूछे केस टू में, ठीक है केस टू में अगर बोले आपसे केस टू में कि आप बनाइए किसका ग्राफ, तो ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसका ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, इसका एक्स का क्यूब प्लस सी प्लस डी, जहां पर ए का वैल्यू आपको नेगेटिव लेके बनाना है, ठीक है, एक वैल्यू आपको नेगेटिव लेके बनाना है। अब बनाइए तो बस उसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ये एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसमें हमने क्या किया कि x जो कि पॉजिटिव था, x का क्यूब पॉजिटिव था, यानी a पॉजिटिव था, इसलिए हम पॉजिटिव से स्टार्ट किए हैं, ये नेगेटिव है तो बस नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही का फर्क है, समझ में आता है ना। देखिए x का पॉजिटिव नेगेटिव मिला नहीं इसमें, इसमें x का पॉजिटिव मिला ना, ये बात समझ में आया, ये बात हुआ। अब क्या होता है कि इसमें आप कहिएगा सर इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट को कट किया है, यहाँ पर कट किया है, ये इसको कट किया है, हो सकता है कि ये ऐसे गुजरे, ठीक है, तो सिर्फ एक्स को कट किया है ना, तो एक तो रूट निकल के आ रहा है ना। तो आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए जिसमें 2 रूट निकल गया है, 3 रूट निकल गया, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि एक ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जिसमें 3 रूट निकल गया, ठीक है, तो कैसे आप कीजिएगा, या 2 रूट निकल गया तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए इसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, सिर्फ 2 ही केस है इसमें, है ना, तो तीसरा एक्स्ट्रा हम बताएंगे, जब पॉजिटिव हो तो एक्स एक्सिस पे, जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए तो अब अगला चलते हैं थोड़ा, क्योंकि 2 रूट अगर निकालना हो क्यूबिक में ही तो कैसे निकालेंगे, इसमें तो एक रूट निकल के आ रहा है, सिर्फ अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों सेम हो जा रहा है, ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों सेम आ जा रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर हम आपसे बात करें कि 2 रूट का तो क्या करेंगे, चलिए
अगर आप इसको कहिएगा केस थर्ड, तो कह लीजिए केस थर्ड। हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये x है, ये x एक्सिस, ये माइनस x, ये y और ये माइनस y, ठीक है। अगर हम बोले कि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं x का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में d का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पर a ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन x का वैल्यू अल्फा भी निकालना है और बीटा भी दिखाना है और गामा, तीनों को दिखाना है, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। चूंकि x पॉजिटिव है इसलिए ये तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहीं से, ये बात तो तय है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल वही है, देख लीजिए ऐसे है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है, इसको मिटा के फिर से बताते हैं आपको, देखिए ये ऐसे जाता है ना जी, ऐसे, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे आपका जी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद से यहां पर कट कर दिया, एक रूट निकल गया, उसके बाद से ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, देखिए एक दो तीन रूट निकल गया क्या, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमको बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। अगर सिर्फ दो ही रूट चाहिए तो सिर्फ दो पर कट करेगा, तीसरा नहीं कट करेगा कहीं पर, ठीक है। उसको ही बताते हैं, सिर्फ अगर आपको दो रूट चाहिए, ठीक है। केस फोर्थ में देख लीजिए, केस फोर देखिए जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमको निकालना हो रूट किस तरह से, रूट हमको निकालना हो इस तरह से, केस केस अगर हम बोलेंगे केस फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, केस फोर्थ के बारे में हम बोल रहे हैं। तो केस फोर्थ में हमको निकालना है किसका रूट निकालना है, तो एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, और इसमें दिखाना ये कि ए ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन हमको दिखाना है ऐसे कि हमको दो रूट निकल गया है ना, एक्स का यहाँ पर तीन रूट निकल गया है, तो हमको क्या दिखाना है जी, एक्स का हमको दो रूट अल्फा और बीटा दिखाना है, ठीक है। और गामा जो है वो बीटा के बराबर हो सकता है या अल्फा के बराबर हो सकता है, तो इसका ग्राफ हमको दिखाना है। तो हमको एक्स एक्सिस को सिर्फ दो ही जगह कट करना चाहिए, कितना जगह जी, सिर्फ एक्स एक्सिस को दो जगह ही कट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस को दो ही जगह कट करना चाहिए, तो इधर की तरफ ये माइनस एक्स है और इधर की तरफ क्या है जी, इधर की तरफ ये माइनस वाई है। तो अगर कुछ हम इस तरह करें कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस से ही, हम कह रहे हैं कि ये ऐसे हो करके और ये टेंजेंटली टच कर करके ऐसे निकल गया, बस समझ में आया क्या? यहाँ पर टेंजेंटली टच किया है, स्टार्ट हुआ तो वहीं से, तो टेंजेंटली टच किया मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपको अल्फा आपको मिलेगा इक्वल टू में बीटा, और यहां पर आपको सिर्फ गामा मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा मिल गया और यहां पर गामा मिल जाएगा। तो ये रहा इस तरह का, ये बातें हुआ कि अगर हम डिग्री तीन में ही, अगर हम अब क्यूबिक इक्वेशन में आपको सिर्फ दो रूट दिखाना है तो दो रूट में इस तरह होगा, और एक रूट दिखाना है तो सिर्फ शुरुआत वाला बात हो गया कि सिर्फ ओरिजिन से पास कर जाएगा, यहां पर तीन रूट दिखाना है। उसी तरह अगर ये वाई एक्सिस में रहता, एक्स स्क्वायर वाला में, एक्स वेरिएबल में है, वाई वाला में रहता, तो जो है एक्स से स्टार्ट होता, ऐसे से स्टार्ट होता, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, लीनियर भी आपको समझ में आया, डिग्री वन का तमाम ग्राफ आपको दिखाए हम लीनियर, उसके बाद से क्वाड्रेटिक का तमाम बात बताए, बताया कि आपको कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक का दो रूट निकल गया, कैसे कैसे निकल जाएगा, और क्यूबिक का भी ये आपको तमाम कंडीशन हम बता ही दिए, ठीक है। बात रहा क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का जो है आपको सिलेबस में है नहीं, है ना, आपको क्यूबिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपसे यही कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद यही है, ठीक है। अगले ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगले अगले जो है वीडियो में देखा जाएगा आगे क्या है, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।